नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति पहले रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे नहीं करता है और बाद में नोटिस इशू होने के बाद जीएसटी पे करता है, क्या वो उसका आईटीसी ले सकता है? केस के फैक्ट इस प्रकार हैं। एक व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उसने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी यानी कि जीटीए की सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी पे नहीं किया है। इस केस में डिपार्टमेंट के द्वारा शो को नोटिस इशू किया जाता है और व्यक्ति रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पेमेंट कर देता है। तो केस में व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है यदि वो शो को नोटिस के इशू होने के बाद इसकी पेमेंट करता है, या फिर क्या वो इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है यदि व्यक्ति शो को नोटिस इशू होने के बाद पेमेंट नहीं करता है लेकिन जीएसटी ऑफिसर के ऑर्डर इशू हो जाने के बाद ये पेमेंट करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की? दोस्तों, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि यदि नोटिस के इशू होने के बाद या ऑर्डर के इशू होने के बाद आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पेमेंट करते हैं तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आरसीएम की आपको लायबिलिटी टाइमली पे करनी होती है। यदि आप जीएसटी ऑफिसर के नोटिस होने इशू होने के बाद ये पेमेंट करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxseal@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।